नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं एक और छोटा सा विलेज, हम पहुंच चुके हैं खमागन नदी के गांव में। जैसा कि इस प्रकार से यहां पे देखने को मिलता है घर आंगन प्रकार से बना हुआ है, तो आपको भी दिखाते हैं कैसा यहां पे हमें देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम हर दिन इसी प्रकार से नया नया गाँव नया नया विलेज घूमते रहते हैं और आपको भी दिखाते रहते हैं गांव विलेज कैसा रहता है। तो और देख सकते हैं इस प्रकार से जंगल झाड़ियों को पार करते हुए एक दूसरे गांव पर जाना पड़ता है। कहीं कहीं पे पक्की रोड देखने को मिलता है, कहीं पे कच्ची रोड देखने को मिलता है। तो बने रहिए वीडियो पर, आपको दिखाते हैं गांव का विलेज। तो दोस्तों, इस प्रकार से कमार जनजातियों का गाँव एक छोटा सा यहाँ पे देखने को मिलता है। और देख सकते हैं घर इस प्रकार से बना हुआ है, झोपड़ी वाला, बहुत कम आवास योजना वाला यहाँ पे जो लाभ मिला हुआ है। और देख सकते हैं अलग अलग घर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे एक झोपड़ी भी है, यहाँ पे एक माता जी यहाँ पे रहते हैं। और नज़दीक ले जाकर आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं कुछ कुछ लोग जंगल झाड़ी लकड़ियों के लिए या फिर और कुछ चीज़ के लिए जाते हैं। और अधिकतम मतलब जीवन इसी प्रकार से व्यतीत कर लेते हैं यहाँ पे हमारे जनजातियों के लोग। इस प्रकार से यहाँ पे घर आप देख सकते हैं ऐसा यहाँ पे बना हुआ है। और आसपास बहुत सारे घर भी देखने को मिलता है, वो आपको दिखाते हैं नज़दीक से। इस प्रकार से लकड़ियों का घर जो बनाकर और लकड़ियों को जो खुटा गड़ा कर रखते हैं उसी पे छबाई करके इस प्रकार से घेरा करके रखे रहते हैं। और इस साइड भी घर देखने को मिलता है, देख सकते हैं गोल इस प्रकार से इस साइड भी घर बना हुआ है, अलग अलग घरों के देखने को मिलता है यहाँ पे। और एक मंदिर भी है छोटा सा, वो भी आपको दिखाते हुए चलेंगे जो यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं कमार जनजातियों के लोग यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। ये है जो मंदिर जो भी आपको बता चुके हैं, शायद ये शीतला मंदिर है, इस प्रकार से बना कर रखे हुए हैं। और घर भी अल साइड यहाँ पे देखने को मिलता है, कच्ची मार्ग है इस साइड देख सकते हैं, और इस साइड भी घर बना हुआ है। सब अलग अलग घर क्योंकि जंगल पे बसे हुए हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे घर बना हुआ है। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का मोहल्ला। इस प्रकार से यहाँ पे मोहल्ला भी देखने को मिलता है, फिलहाल देख सकते हैं इस साइड भी झोपड़ी बना हुआ है। और कुछ कुछ घर लेंटर वाला भी देखने को मिलता है क्योंकि आवास योजना के तहत यहाँ पे काम मतलब लाभ मिला हुआ है। और देख सकते हैं इस प्रकार से बाड़ियों को लकड़ियों के घेरा करके इस प्रकार से रखे हुए हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं इस प्रकार से घर यहाँ पे बना हुआ है, लकड़ियों का घेरा भी है। कुछ घर यहाँ पे लेंटर घर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे इस प्रकार से माचा वाला सामने पर घर के सामने बना कर रखे हुए हैं। फिलहाल यही है गांव का विलेज।